दोस्तों इस बुधवार को सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनकी मौत हो गई और ये पूरे भारत देश के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि वो भारत के लिए बहुत खास थे और भारत में उन्हें पहली बार सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि उन्हें सबसे पहली बार सीडीएस का पद क्यों मिला था और भारत को सीडीएस पद की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए मैं आपको इस छोटे से वीडियो में यही समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सन 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की बात की थी और उन्होंने कहा था कि सीडीएस का यह पद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों का प्रमुख होगा। अगर आसान भाषा में समझें तो सीडीएस वह पोस्ट है जिस पर तैनात ऑफिसर सीधे सरकार को सेना के बारे में सलाह देता है और इस तरह हमारी तीनों सेनाएं एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहती हैं। अब बात आती है कि सीडीएस पद की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों सीडीएस पद की जरूरत इसलिए थी क्योंकि लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि सेना की एक प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को एक साथ जोड़कर रख सके और सीधे सरकार से भी बातचीत कर सके। आपको बता दें कि सीडीएस की नियुक्ति की सिफारिश पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के बाद ही की गई थी, क्योंकि उस समय हमारे देश की तीनों सेनाओं में समन्वय की काफी कमी दिखाई दी थी। दोस्तों बिपिन सिंह रावत जी हमारे देश के पहले सीडीएस थे जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन अगर आप भी ये मानते हैं कि भारत देश में ऐसे ही और ऑफिसर्स होने चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपको क्या लगता है कि भारत का अगला सीडीएस कौन होगा, नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर दिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।